अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो इस वक्त अवाम की बड़ी तादाद की जो हमदर्दी है वो तरीके इंसाफ के साथ जितना मर्जी है कुछ कर ले अवाम इस वक्त सख्त खफा है कि वो इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं और इसी वजह से तो ये डर के इलेक्शनों से भाग रहे हैं। आए ना मैदान में इमरान खान जेल में आइडियल अपॉर्चुनिटी है टाइम है एक नई सियासी जमात बनने का पोलिटिकल विक्टन जिस भी दौर में हो गलत है आज इनके पास लोगों का मैंडेट होता तो फिर किसी दायरे में जरूरत नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में भी कि वो इन कवान के ऊपर इन सियासी क्यादों को वापस इनके केसेस बहाल कर हम उसी एक दायरे का सफर है जो जारी है इमरान खान साहब के और उनकी जमात के साथ जो पोलिटिकल विक्टमाइेशन हो रही है वो भी सही नहीं है पच्चीस लाख नौजवान हर साल हमारा जॉब मार्केट में ऐड होता है लेकिन उनके लिए आगे रोजगार मौजूद नैब के सारे जो कवानीन के अंदर तरमीम की गई है अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें कादम करार दे देती दे है हो सकता है कि वो सारे दोबारा जेल में चले जाए तो आपको लगता है कि साहब वापस आ जाएंगे क्योंकि खबरें तो काफी अरसे से गर्द कि वो आ रहे हैं अगर सोलह महीने में उनके भाई वजीर आजम थे तो वो इस मुल्क में नहीं आ सके तो आगे मुश्किल तो शायद मजीद बढ़ जाएंगे असल नाजिम में खान और आप देख रहे हैं जी एन ए प्लस नाजन इस वक्त आप मौजूद हैं मरूफ़ सियासी शख्सियत हैं किसी तार्ब के मताजनी हैं सीनियर सियासदान हैं मुफ़ा नवास खोखर साहब खोखर साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी एन एन को अपना कीमती वक्त देने का सर सबसे पहले तो ये बताइएगी कि, कि मुल्क की सियासी सूरत को आप क्या असर देखते हैं निगरान सेटअप भी आ गया है इस हवाले से आप क्या फरमाएँगे सरदार साहब यकीनी की फ़ा है अभी तक नहीं पता इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शनों की तारीख नहीं दी कोई पता नहीं मुल्क में इलेक्शंस कब होंगे और इस सियासी बेयकनी की वजह से जो हमारी मीशत है वो बहुत प्रॉब्लम्स का शिकार है और इस सारे की जो बर्डन है जो इसका बोझ है वो आम आदमी पे ऊपर पड़ रहा है तो मेरा तो ये शुरू से कहना रहा है कि जब तक हम सियासी बेयकनी को ख़त्म नहीं करेंगे सियासी अफरा तफरी को खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक हम मैशत को ठीक नहीं कर सकते और आम आदमी की ऊपर जो इस वक्त बोझ पड़ गया है महंगाई का बदमनी का ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक सियासी बेयकनी ख़त्म नहीं होगी तो उसकी फिजा जारी है और जो हमारे सारे फैसला साज हैं जिसके अंदर सियासी जमातें शामिल है सियासी जमातों के कायदीन शामिल हैं वो उसमें अपना भरपूर किरदार किर्दा, अदा कर रहे हैं ताकि वह बहरान मजीद गहरा हो अदलिया उस बहरान को हल करने में कामयाब नहीं रही आ, हमारे यहाँ जितने ये माजी में फैसले होते रहे उसके अंदर अदलिया का एक बहुत बड़ा किरदार है उस बुरान को मजीद बढ़ाने में सर बतोड़े आप सिंह सजदान है कहा जा रहा है कि इस बेयकनी की सुरतयाल में आप कोई नई जमात या कोई नई क्यादगी करने जा रहे हैं और एक नौजवानों को लीड करने जा रहे हैं सर इसमें कितनी शाकत है नहीं मैं ये तो ज़रूर समझता हूँ कि इस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो इवेंट हो चुकी हैं और आवाम से एक बहुत बड़ा डिसकनिकट पैदा हो गया है जो सियासत है वो सिर्फ इकतदार हासिल करने के लिए की जा रही है अवाम के इशूज़ के ऊपर सियासत नहीं हो रही और आवाम के इशूज़ को वह अहमियत भी हासिल नहीं है सियासी जमातों का और उनके कायदी का हदफ सिर्फ और सिर्फ इकदार हासिल करना है और ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है टाइम है एक नई सियासी जमात बनने का जो एक ज़रा लिबरल हो प्रोग्रेसिव ख़ ख्याल रखती हो जो बानी है पाकिस्तान के जिस तरह के ख्याल थे और ये एक अंधेरा इतना घुप अंधेरा हो चुका है कि उसमें गुंजाइश मौजूद है लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी समझता हूँ कि मेरा इतना सियासी कद काट नहीं है कि मैं अभी सियासी जमात की अपने तय को खुद करूँ दोस्त अहबाब है हैं उनसे गुफ्तगु ये जारी रहती है मुशावरत हम करते रहते हैं लेकिन आ, अब देखें आगे चल के क्या होता है मुस्तफ़ा साहब सा फरमाइएगा कि सदर ममलिकत ने मुख्तलिफ पी डी एम हकूमत की जानब से बिल पास किए गए उनको वापस कर दिए तकरीबन लगभग बारह तेरह बिल हैं जो कि वापस किए गए आप इसको कैसे देखते हैं बहुत से बिल जो पास किए गए आखिरी दिनों में उजलत के अंदर पास किए गए उन बिलों के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई उनके अंदर जो आ, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको बेपनाह इतियारात दिए गए ऐसे अख्तियार दिए गए कि जिनके वैसे ही हमारे मुल्क के अंदर एक आ, ऐसी कैफियत है कि जिसमें लॉ एंड ऑर्डर गिर रहा है अदालतों के फैसलों का कोई एहतराम नहीं तो इस माहौल में मजीद इख्तियार दे देना ज़ाहरी बात है उस पर लोगों को तशवीश तो होती है और साथ ही साथ फिर हमारे माशाल्लाह जो सियासतदान हैं उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है जो यूनिवर्सिटीज़ के बिल पास हुए उजलत में पास हुए और इन बिल्स के पास इन पास होने के पीछे जो हकीकत है उससे भी हम वाकिफ़ हैं कि यही यूनिवर्सिटियों के बिल जो है पास होने के बाद पच्चीस पच्चीस तीस तीस करोड़ रुपये में बिकेंगे तो सियासतदानों ने भी आखिरी दिनों में दिहाड़ी लगाने की कोशिश की और इस तरह झपटे हैं कि जैसे कोई माल गनीमत के ऊपर झपटता है तो यही हमारी सियासत की बदकस्मती रही है कि ना यहाँ पर सियासतदान सियासत को ठीक तरीके से लेकर आगे चले ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको रास्ता दिया और ना ही हमारी अदलिया ने इंसाफ किया और आज हम इस नतीजे में पहुँचे हैं तो मैं समझता हूँ कि सदर ने ठीक किया जो ये बिल उन्होंने वापस किया इनके ऊपर मज़ीदीद बहस होनी चाहिए इनको मज़ीद नोक पलक इसकी दुरुस्त करनी चाहिए और जिन किसी किसी की भी रिजर्वेश रेज़र्वेश्स दूर होनी चाहिए सर ये बताइएगा कि हर दौर में पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमने देखा है कि हुई है लेकिन जो मौजूदा दौर में पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है सियासी कैदीन के खिलाफ इसको आप कैसा देखते हैं पोलिटिकल विक्टमाइेशन जिस भी दौर में हो गलत है हमारे पाकिस्तान में इसकी एक लंबी तारीख मौजूद है और अलमिया हमारा ये है कि हम आगे बढ़ते नहीं हैं हम अभी तक आप यही समझे कि पचास की दहाई में फंसे हुए हैं हमने बड़े इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस देखे नवे की दिहाई देखी उसके बाद फिर सियासी जमातों को इस चीज़ का अंदाजा हुआ कि आपस में ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खेल जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तो तीसरी कुत को हमेशा रास्ता मिलता रहेगा फिर उन्होंने एक मिसा के जमूरियत किया उन्होंने कुछ रेड लाइन्स तय की लेकिन दो हजार ग्यारह दो हजार बारह में इमरान खान साहब लॉन्च हो गए तो अब हम उसी एक दायरे का सफ़र है जो जारी है इमरान खान साहब के और उनकी जमात के साथ जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है वो भी सही नहीं है और जो इमरान खान साहब के दौर में हुई दीगर अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ वो भी ठीक नहीं थी तारीख का एक शायद यही सबक है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता तो हम दायरों का सफर जारी रखे हुए मुल्क में इस वक्त हमारी पैंसठ फीसद आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है उनके पास अच्छी तालीम के जराए नहीं है तालीम अगर कहीं से मिल भी रही है तो मैारी तालीम नहीं है पच्चीस लाख नौजवान हर साल हमारा जॉब मार्केट में ऐड होता है लेकिन उनके लिए आगे रोजगार मौजूद नहीं है मैशत का पहिया नहीं चल रहा बीस से पच्चीस हजार नौजवान इस वक्त लिबिया में हमारा पड़ा है जो एक बेहतर जिंदगी के लिए यूरोप जाना चाहता है उस जिंदगी के लिए जो जिंदगी उसको यहां पर पाकिस्तान में मिलनी चाहिए थी नहीं मिल रही पाकिस्तान से लोग प्रोफेशनल्स निकल रहे हैं भाग रहे हैं और यहाँ पर हम वो ज़िंदगी लोगों को नहीं दे पाए तो हमें अपनी इस मामले में जो शिकस्त है वो भी तस्लीम करनी चाहिए और मामला को सुधारने के लिए ये सियासी क़्यादतें तो सारी फ़ेल हो चुकी हैं अब हमें अल्लाह करे कि इसमें कोई हमारे लिए कोई रोशनी की किरण पैदा हो उम्मीद की किरण पैदा हो फिलहाल तो ऐसा नजर सर आपको लगता है कि रोशनी की किरण या उम्मीद की किरण पैदा होगी मौजूदा जो गवर्नमेंट है ये निगरान सेटअप जिसका काम होता है कि नवे रोज़ में इलेक्शन कराना तो आपको क्या लगता है दो हज़ार तेईस में इलेक्शन वगैरह होंगे देखिए निगरान सेटअप के पास तो कोई ऐसे इख्तारा नहीं है लोगों का मैंडेट नहीं है सबसे बड़ी चीज़ है लोगों का मैंडेट होना और उनके जिम्मे एक ही काम है कि वो इलेक्शन कराएँ इलेक्शंस की तारीख भी अभी तक सामने नहीं आई पता है पता नहीं होते हैं या नहीं होते हैं। और सच्ची बात है कि ये जो जमत हतें मौजूद थी पंजाब के अंदर इलेक्शन हो उससे ये भाग निकले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन होना था वहाँ से वो भाग निकले और अब वफाकी हुकूमत का जो मुल्क भर में नेशनल असम्बली का इलेक्शन होना है उससे भी ये भाग रहे हैं और वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये आवाम का गैज़ वज़ब उसका सामना करने का इनमें हौसला नहीं है जो इन्होंने अपने 16 महीने के दौर के अंदर जो महंगाई के पहाड़ आम लोगों पर तोड़े हैं लोग शदीद कर्ब में गुस्से में और इन्हें अंदाज़ा है कि अगर हम इलेक्शनों में गए अवाम के पास गए तो लोग हमसे बदला लेंगे इसीलिए ये इलेक्शनों में जाना नहीं चाह रहे लेकिन ये तो कोई असूल नहीं है आप अगर हुकूमत आपने ली है तो फिर मुश्किल वक्त में भी अगर ली है तो उसके फिर आपको कीमत तो अदा करनी पड़ेगी अगर आप यही करें कि रूल्स ऑफ द गेम ही चेंज कर दें कि इलेक्शन ही नहीं होंगे तो फिर तो हम एक अनाक की सूरत हाल की तरफ बढ़ेंगे और वही हम बढ़ रहे हैं मुस्तफ़ा साहब ये फरमाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अठारह अगस्त को जो है वो नायब तरमीम जो की गई थी हुकूमत पिछली जो हुकूमत गुजर गई उसके दौर में इसको कैसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और बुलाया सब फ्री कहने को कि इस पर जो है तरमीम कदम भी हो सकती हैं चीफ जस्टिस उम्र साहब की सरब्राहि में तीन रुकनी बेंचिस की समाप्त कर रहा है करेगा मतलब कि अठारह अगस्त बिल्कुल आपका बड़ा पर्टनेंट सवाल है अहम सवाल है और मुझे खुशी हुई कि आप एक नौजवान आ, रिपोर्टर हैं और जितने आपने सवाल किए वो अच्छे सवाल किए और ये भी सियासी लिहाज से बड़ा अहम सवाल है इसके ऊपर अभी मीडिया में उस तरह बहस नहीं शुरू हुई आ, लेकिन आप अपनी मेहनत और लगन से काम जारी रखें तो इन आपके अंदर एक अच्छा मुझे जर्नलिस्ट नजर आ रहा है अट्ठारह तारीख को अब ये जो केस रखा है इसमें अगर नैब के सारे जो कवानीन के अंदर तरामीम की गई हैं अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें कालदम करार दे देती दे है तो उसके नतीजे में ये जो पिछले सोलह महीनों के अंदर रिलीफ हासिल किया गया था वो सारा रिलीफ भी ख़त्म हो जाएगा जो लोगों को जमानतें मिली वो ज़मानतें भी ख़त्म हो जाएंगी जो केसेज विड्रा हुए वो केसेज़ भी दोबारा बहाल हो जाएंगे और वही तमाम आ, सियासी क़ियातें पीपल्स पार्टी की हो नून लीग की हो दीगर जमातों की हो हो सकता है कि वो सारे दोबारा जेल में चले जाए तो ये आ, इनको पहले दिन से ही हम समझा रहे थे बहुत से लोग कि जनाब ये जो आप तरमीम कर रहे हैं इस चीज़ की क्या गारंटी है कि सुप्रीम कोर्ट इनको नहीं उड़ा देगी और अब वो वक्त आन पहुंचा है। आ, मेरे ख्याल से ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इंतजार करती रही कि हुकूमत खत्म हो जाए तो फिर हम इस केस को टेकअप करें तो जिनके हाथों में ये खेलते रहे इनको इतनी भी अकल नहीं थी कि ये हमारे साथ इस तरह का रवैया भी दोबारा हो सकता है अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है लेकिन अगर उसने फैसला ये किया कि कालादम करार दे दिया फिर सारे आपको सियासी कायदीन आपोजिशन जो हुकूमत में थे वो सारे आपको दोबारा जेलों में जाते हुए नज़र आएंगे मुस्तफ़ा सर ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो तरमीम वगैरह की गई है उसके बाद जो है वो ये जो कानून साजी इन्होंने की है और इन्हें कि गले पड़ सकती है तो सर अब मियाँ साहब की भी ख़बरें चलाई जा रही हैं कि वो भी अगले माह जो है वो वापसी कर करे तो आपको लगता है कि मियाँ साहब वापस आ जाएंगे क्योंकि खबरें तो काफ़ी अरसे अर्से गर्दिश करें कि वो आ रहे हैं अगर सोलह महीने में उनके भाई वज़र अजम थे तो वो इस मुल्क में नहीं आ सके तो आगे मुश्किल तो शायद मज़द बढ़ जाएँ कम शायद ना हो ये तो ओनली टाइम विल लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये जमातें जब तहरीक आदम एतम के बाद इन्होंने हुकूमत हासिल की तो उस वक्त इनकी प्रायोरिटी ये थी कि हम सिर्फ दो कवान के अंदर तब्दीली करें और इलेक्शनों में चले जाएं। अगर इलेक्शनों में ये चले जाते आज इनके पास लोगों का मैंडेट होता तो फिर किसी इदारे में जरूरत नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में भी कि वो इन कवानी के ऊपर इन सियासी क्याों को वापस इनके केसेस बहाल कर देती और शायद जेल में चले जाते अब क्योंकि इनके पास पब्लिक मैंडेट नहीं है पब्लिक इनके सख खिलाफ है तो अगर खदशा तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला किया तो पब्लिक वेलकम करेगी क्योंकि पब्लिक ये समझती है कि ये जो लोग इतदार में रहे इन्होंने उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं रखा उनके लिए उनकी जिंदगी मुश्किल बनाई महंगाई के पहाड़ उनके ऊपर तोड़े तो लोगों के अंदर एक खुशी तो पैदा होगी और फिर ये एक बड़ा सवाल है कि अभी उन तरमीम के बाद फिर एक तरमीम इन्होंने और की जो रिमांड जिसको नबे रोज का रिमांड था नैब के कवानीन में ड्रिकोनियन था उसको कम करके इन्होंने चौदह दिन किया फिर इमरान ख़ान साहब स्पेसिफिक इन्होंने लेजिसलेशन की और रिमांड को वापस तीस दिन पे ले गए वो सब इनके गले पड़ेगा तो सियासत में अनफॉर्चुनेट बात यही है कि कुछ सबक नहीं सीखता जब हुकूमत मिलती है तो समझते हैं कि बस हम ही हैं और कभी हमने वापस अपोजिशन में नहीं जाना तो मुखालफी पर हमले करो मुखालफन को विक्टमाइज़ करो आज हो सकता है कि अठारह तारीख के बाद सूरत हाल ही अक्सर तब्दील हो जाए सर आप सीनियर हैं दूर आप नजर रखते हैं क्या समझते हैं अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या मुल्क का वजे अजम आप किस को बनता हुआ देखें इन हालात में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं देखिए पहला है। तो सवाल ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे या नहीं? नहीं और मुझे नहीं ऐसा लगता कि किस फ्री एंड फेयर होंगे मैं इमरान खान साहब की सियासत का मुखालिफ हूँ लेकिन मैं ये नहीं समझता कि उन्हें उस खेल से ही बिल्कुल आउट कर देना चाहिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको एक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस में हिस्सा लेने की आज़ादी होनी चाहिए ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा फिलहाल अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो इस वक्त आवाम की एक बड़ी तादाद की जो हमदर्दी है वो तरीक इंसाफ के साथ है इसमें कोई मेरी कोई मुबालगा आ रही नहीं है और अगर उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाता तो उसके नतीजे में वो वोट अब किधर जाएगा इसके बारे में पेशेंट गोई करना मुश्किल है हो सकता है वो घरों में लोग बैठ जाएं बाहर ना निकले वोट करने के लिए और हो सकता है कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दे दें जो उम्मीदवार इन जमातों के मुखालिफ तगड़ा उम्मीदवार लोगों को नजर आया और फिर जो असेंबली का वजूद उसके नतीजे में आएगा वो भी एक हॉच पॉच सी असेंबली होगी किसी के पास अक्सरियत नहीं होगी और इतहादीमत फिर बनेगी और वो अक्सरियत ना होने की वजह से सियासी बेयकीनी जो है वो कंटिन्यू करेगी हमें चाहिए इस वक्त ये कि बेयकीनी ना हो ताकि हमेशा ठीक कर सकें आम आदमी की जिंदगी को बहाल कर सकें लेकिन इलेक्शंस के नतीजे में भी मुझे वो बेयकीनी खत्म होती नजर नहीं आती सर गुजा दिनों चौदह अगस्त में गई पहली मरतबा ऐसा हुआ कि दफा एक सौ चौतालीस जश्न आजादी के मौका पर लगाया गया, गया। दाखिला के एक रवायती जलसा होता है लाल विले के बैठ उनको जलसा भी नहीं करने दिया कैसे देखते हैं कि, कि इस तरह करना चाहिए को, को। देखिए जाहरी बात है चौदह बा, अगस्त है उसके ऊपर दफा एक सौ चौतालीस का नफाज नहीं होना चाहिए था लेकिन मैंने खुद विटनेस किया उस दिन मैं शहर में निकला हुआ था मुख्तलिफ जगहों पर फातह के लिए जाना था लोगों से मिलना था तो लोगों का जोश ख़रोश तो अपनी जगह पर मौजूद था नौजवान स्कूटरों पर फिर रहे थे गाड़ियों से लोग झंडे लेकर निकले हुए थे तो एक कसीर तादाद लोगों की बाहर ज़रूर निकली हुई थी और आ, बाजे भी बजा रही थी इस इस इस, इस ये नई जो एक एडिशन हुआ है हमारी इस सेलिब्रेट सेलिब्रेशंस में कि अब बाजा भी उस तरीके से उसका इस्तेमाल शुरू हो गया कि इंसान को बड़ी कोफ्त होती है आ, वो उसका बुनियादी मकसद उस दफ़ा एक सौ चौतालीस का शायद यही था कि जो तहरीक इंसाफ के करीब लोग हैं वो बाहर ना निकल सकें लेकिन बाकी पब्लिक तो निकली बाहर सर हाल ही में आ, रिव्यू जजमेंट एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आ, वापस लिए जिससे जंगीर खान तेन साहब और नवाज शरीफ साहब की नैली के जो रामवार थी अपील का था, वो उनसे वापस हो गया इसको कैसे देखते एक और भी कानून पार्लियामान ने पास किया था वो अभी तक चैलेंज नहीं हुआ उसमें बासठ वन एफ़ के तहत जो उम्र भर की नाएहली थी उसको कर्टेल करके सिर्फ पाँच साल तक कर दिया गया है वो लॉ वो कानून इन प्लेस है और आ, उसके तहत मियाँ नवाज शरीफ साहब या दीगर जो लोग हैं वो रिलीफ हासिल कर सकते हैं मियाँ साहब जब भी वतन वापस आए उनको ज़ाहिर बात है अदालतों से रुजू करना पड़ेगा और फिर ये सारे मामला एक दफ़ा फिर से ज़ेर बहस आएंगे लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को ख़त्म करने में वन थ्री की जो रेगुलेशन है वो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की जानब से ठीक नहीं है कि हमने देखा है कि मुल्क में आ, बहुत सी चीज़ों पे आज खुद नोटिस ले लिया जाता है और कई दफ़ा वो आज खुद नोटिस जो हैं वो ड्रिवन नोटिस होते हैं और फिर उनके नतीजे में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि आगे अपील, अपील का कोई फोरम भी मौजूद नहीं है तो एक माशरे के अंदर लीगल फिटर्निटी के अंदर एक कंसेंसिस मौजूद था कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो ताकतें इस ताकत को आज खुद नोटिस वाली को एटलीस्ट रेगुलेट करना चाहिए कोई इसका दायरा कार हो तो वो एक अच्छी लेजिस्लेशन थी मेरे नजदीक और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको खत्म करना इस पे कि इंडिपेंडेंस ऑफ के अंदर मुदाखलत है तो मेरे ख्याल से गैर मुनासिब फैसला था सर ये फरमा कि, कि तराजू के पलड़ों को जो है बराबर करो तो फिर हम इलेक्शन की तरफ जब मर्जी करा दो तैयार ये कभी भी इलेक्शन के लिए तैयार तो नहीं है के तराजू के पलड़े बराबर भी हो जाए तराजू के पलड़े जितना मर्जी है कुछ कर ले खफा है कि वो इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं और इसी वजह से तो ये डर के इलेक्शनों से भाग रहे हैं आए ना मैदान में इमरान खान जेल में है आए मैदान में इलेक्शन लड़े क्यों नहीं लाड़े इसी वजह से नहीं लड़े कि इनको खौफ है लोगों का अवाम का खौफ है सर लास्ट यह फरमा दीजिएगा कि बिलावल भुट्टो साहब को छोड़ना की क्या वजह थी पीपल्स पार्टी जो मौजूदा पीपल्स पार्टी है क्या ये भुट्टो साहब के नज़रिए पर चल रही है या देखें पीपल्स पार्टी के मतलब मैं कुछ ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता कि आ, और इसलिए कि एक तल्लुक़ राय बेशक रायें जुदा हो गई हैं लेकिन ये कोई अच्छा अमल नहीं होता कि आपका जिसके साथ तल्लुक रहे और फिर ख़त्म हो जाए तो फिर आप उसके ऊपर चढ़ दौड़ें ये भी हमारी आ, सियासी आ, वो एक वो बदकिस्मती है कि लोग ऐसे करते हैं आ, मैं आई विश दम वेल वो अपनी सियासत करें आ, उस सियासत को जो वो कर रहे हैं आवाम में उस तरह की पिजेराई नहीं मिल रही उन्हें गौर करना चाहिए कि क्यों नहीं मिल रही और उन वजूहत को एड्रेस करना चाहिए आ, बाकी मैं उनके बारे में क्या कह सकता लास्ट अपनी कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे जी एन के प्लेटफॉर्म अगर पैगाम देना चाहूँ तो बस यही है कि जी इस वक्त पाकिस्तान में उम्मीद की शदीद कमी है लोग आ, अपनी ज़िंदगी गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है सियासी जमातें फेल हो चुकी हैं और इस सारे माहौल में जहाँ में जहाँ पर आपको कोई राह ना नज़र आ रही हो तो उसमें दुआई की जा सकती है कि हालात मज़ीद ना बिगड़े कोई ना कोई राह निकले अब मुझे यकीन करें अगर इस सवाल का जवाब मेरे पास होता कि किस तरीके से उम्मीद पैदा की जा सकती है तो मैं ज़रूर करता हो सकता है कि हालात में आगे चल के ऐसी कोई राह निकल आए अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोई राह मौजूद नहीं है बस नौजवान जो हैं इस मुल्क के उनसे इतनी गुजारिश है कि तालीम पर अपना फ़ोकस रखें और आ, गो के आगे हालात इतने ख़राब हैं रोज़गार का मिलना मुश्किल है आ, लेकिन आ, आप ही इस मुल्क का सरमाया है और आप में से कोई उम्मीद निकल सकती है बाकी आपकी जो एल्डर जनरेशनस थी आपसे जो बड़े लोग थे उम्र में उन्होंने इस मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी अगर कोई उम्मीद पैदा होनी है इस मुल्क में तो वो इस मुल्क के नौजवानों के ज़रिए पैदा होनी है बाकी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मुल्क को तबाह में